गुरु जी सीताराम सीताराम, मेरा प्रश्न यह था कि जैसे आपने आज कथा में चर्चा की, बाबा झिमदेव जी वाले हमारे यहाँ जो बहुत प्रथा है, वो कहते हैं कि हमारे हनुमान जी दूसरे हैं। कौन? बाबा झिमदेव जी वाले, परमात्मा एक वाले कहते हैं उन्हें। हाँ। तो उनका कहना है कि हमारे हनुमान जी दूसरे हैं, हम आपके राम जी को नहीं मानते और वो बाकी सारे भगवानों को भी नहीं मानते, अपने घर पे उनका निवास नहीं रखते, उनको हटा देते अपने घर से। वो कहते हैं कि हमारे हनुमान जी अलग है और उनसे पूछा जाए उनके बारे में तो उनके बारे में बताने को भी तैयार नहीं है। उनके पास कोई वैदिक पद्धति नहीं है, ना शास्त्रोक्त मत है, ये बनाया हुआ मत है, ये धूर्तपना है। हनुमान जी कभी अलग नहीं हो सकते, जो हमारे हनुमान जी होंगे वो तुम्हारे होंगे और जो तुम्हारे होंगे वो उनके होंगे। और या तो उनके हनुमान जी अगर अलग है तो वो हनुमान जी को नहीं पूज रहे, किसी और को पूज रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी दो हो जाएं। हम तुमसे पूछते हैं, हमारे यहाँ जो सूर्य निकलता है अमेरिका का, क्या दूसरा सूर्य? नहीं। क्या नेपाल का दूसरा सूर्य है? क्या मध्य प्रदेश का दूसरा सूर्य है? नहीं। जब सूर्य एक है तो हनुमान जी एक है जी गुरु जी। और हनुमान जी एक है तो हनुमान जी राम जी के उपासक हैं, हनुमान जी माता पिता आज्ञाकारी हैं और माता पिता की पूजा के लिए वो हमेशा आज्ञा देते, राम जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो जो भी राम पूजा से विमुख है, निश्चित रूप से वो अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जा रहा, वो स्वयं तो नरक में जाएगा ही, और उस प्रथा और संप्रदाय को मानने वालों का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए ऐसी कुरीतियों से हम कहते हैं हमारा सामना करें, और तो दूर की बात, हमारा सामना करें, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे कि राम को क्यों नहीं मानते और किस शास्त्र में लिखा है। भाई मानोगे तो वेद की ही, तो तुम अपना वेद बना दोगे, मानोगे तो पुराण की ही, किस पुराण में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी राम जी को नहीं मानते? मर गए हमारे दादा परदादा कहते हुए कि राम द्वारे, या तो ये गलत है या जीव वाले गलत है, इनकी ठटरी। अगर खबर पहुंचे तो इनको हमारे पास बुलाना, कहना गुरुजी ने बुलाया है मुखिया को, यू कम हेयर माई डियर।